दोस्तों, पहले महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट के तौर पर क्रिकेट की तरफ से एक बुरी खबर आई और अब एक और बहुत बड़ी बुरी खबर आ रही है क्रिकेट की तरफ से। जी हाँ, पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। चेतन चौहान 73 वर्ष के थे और जिस 1983 की टीम ने वर्ल्ड कप अपने नाम किया था उसका वह सदस्य थे और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों में शामिल थे। चेतन चौहान पिछले कुछ समय से कोरोना वायरस से जूझ रहे थे और आज उनका करीब 4:30 बजे निधन हो गया। चेतन चौहान के निधन के बाद चारों तरफ से शोक संदेश आ रहे हैं और कई पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान क्रिकेटरों ने अपनी अपनी संवेदना उनके परिवार के साथ जाहिर की। चेतन चौहान की कोरोना वायरस से मौत होना ये बड़ा मामला है, क्योंकि वो ना सिर्फ पूर्व क्रिकेटर थे बल्कि बड़े मंत्री भी थे। उत्तर प्रदेश सरकार में वो मंत्री थे और इतने बड़े मंत्री की कोरोना वायरस से मौत होना ये कोरोना वायरस की गंभीरता को बताता है कि कैसे हम सबको इससे सुरक्षित रहना चाहिए। अगर आप भी चेतन चौहान के फैन हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर रिप लिखना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें।